हेलो एवरीवन मैं आप सबको पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पीवीटी ट्राइब्स कवर करिए थे जिसमें हमने बैगा भारिया और सारिया की बात करी थी आज के सेशन में हम बात करेंगे द भील्स की ठीक है आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश जिसमें आपको कवर करना है भील्स गोंड कोरकू कोल एंड ट्राइब को ठीक है तो जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे भील ट्राइब की तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अगर हम भील ट्राइब की बात करें तो यूजुअली भील्स भील जो है वो आप लोग को कहाँ पाए जाते हैं भील्स आप लोगों को जो वेस्ट वेस्टर्न एमपी है वहां पे पाए जाते हैं वेस्टर्न एमपी में आपको दो फिजिकल डिवीजन पाए जाते हैं एक है मालवा दूसरा है निमाड़ ध्यान रखिएगा भील जो है वो आपको वेस्टर्न साइड मिलेंगे मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड में आपको दो फिजिकल डिवीजन मिलेंगे मालवा और निमाड़ तो आपको पता होना चाहिए कि भील कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो भील्स जो है वो आपको मालवा और निमाड़ में मिलते हैं अगर हम डिस्ट्रिक्स की बात करें तो बड़वानी झाबुआ अलीराजपुर धार और खरगोन में आपको भील देखने मिलते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भील्स की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली कहाँ पे है वेस्ट साइड में है ठीक है अगर आपसे फिजिकल डिवीजन पूछे तो आपको पता होना चाहिए मालवा और निमाड़ में भील पाए जाते अगर पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट में बताइए तो आपको पता होना चाहिए बड़वानी झाबुआ अलीराजपुर धार और खरगोन में भील्स पाए जाते हैं अगर इनकी रेस की बात करें हम तो ध्यान रखिएगा कि जो भी हैं ये प्रोटो रेस के होते हैं ठीक है भील जो है ध्यान रखिए एक तमिल वर्ड से निकला है विल्लुवरा ठीक है ध्यान रखिए जिसका मतलब क्या होता है बो तो इसलिए आप जो भी हैं उनके हाथ में मोस्टली क्या देखोगे देखोगे क्योंकि भील का मतलब क्या होता है बो होता है ये आपको पता होना चाहिए तो भील एक तमिल वर्ड से निकला है विल्लुवरा जिसका मतलब क्या होता है बो तो भील का मतलब क्या होता है बो ये आपको पता होना चाहिए इसलिए आप भील्स के हाथ में मोस्टली क्या देखते हो धनुष देखते हो वो देखते हो ठीक है फिजिकल फीचर्स पिलेंस में नहीं आता है मीन्स में आता है पर पता होना चाहिए शॉर्ट हाइटेड होते हैं राउंड फेस होते हैं करली हेयर्स होते हैं मीडियम डैक होता है कंप्लीट और फिजिकल physical, फिजिकली जो है बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ठीक चलिए आगे बात करते हैं अगर हम फिजिकल फीचर्स ख़त्म कर देते हैं उसके बाद हम बात करते हैं भील्स के सोशल फॉर्मेशन की मतलब भील्स की सोसाइटी की तो भील्स की जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल इन नेचर है पैट्रियार्कल मतलब कि भील्स में जो हेड ऑफ द फैमिली है ये कौन होंगे ये बेसिकली ये मेल्स होंगे ठीक है बट यहाँ पे मेल्स का डोमिनेंस नहीं होता है यहाँ पे मेन्स और वुमेन्स को क्या होती है इक्वल राइट right होती है अब भील्स को रन करने के लिए बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होते हैं भील्स का जो कबीले होते हैं उसमें जो हेड होते हैं वो होते हैं पटेल तो ध्यान रखिएगा भील्स के कबीले में जो हेड कौन होता है पटेल होते हैं और पटेल का डिसीजन फाइनल होता है जैसे इंडिया में सुप्रीम तो कोर्ट का डिसीजन फाइनल है वैसे ही भील्स के कबीलों में किसका डिसीजन फाइनल होता है पटेल का डिसीजन फाइनल होता है वहीं भील्स में एक और इंसान होता है बड़वा जिसको हम लोग भगत नाम से भी जानते हैं तो बड़ा भगत जो है ये एक रिलीजियस पर्सन होते हैं और अगर कभी किसी की वहाँ पे तबीयत ख़राब होती है या कोई परेशानी होती है तो भगत जो है उसको झाड़ फूक करके ठीक कर देते हैं तो भगत बेसिकली एक रिलीजियस पर्सन होते हैं जो तो यूजली लोगों को थ्रू हर्बल ट्रीटमेंट सही कर देते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम इनकी सबकास्ट की बात करें तो पहली सबकास्ट जो आती है वो आती है भिलाला ध्यान रखिएगा भिलाला कौन होते हैं तो वो जो अपने आप को महाराणा प्रताप का कांशज मानते वंशज मानते क्या कहा जाता है भिलाला कहा जाता है तो ऐसे लोग जो अपने आप को महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट मानते हैं जो महाराणा प्रताप को अपने एनसिस्टर्स मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भिलाला कहा जाता है तो ये महाराणा प्रताप को अपने एनसिस्टर्स मानते हैं और खुद को महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट मानते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी भील है जो अपने आप को महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट मानते हैं ना आंसर मिली भिलाला ठीक उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसी भील्स जो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं जो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तड़वी कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा तड़वी का मतलब होता है ऐसे भील्स जो किस नेचर के होते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया होता है उसे क्या कहा जाता है तड़वी कहा जाता है मोस्टली बील्स जो है ये हिंदू इन नेचर होते हैं ठीक है ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं बट ऐसे बील्स जो मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तड़वी कहा जाता है ठीक है उसके बाद और भी इनके सबकास्ट होते हैं जैसे कि बरेला पटेलिया रथियास वैगास ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें इनके मैरिजेस की तो अब ये सबकास्ट तो आपको याद रखनी है जिसमें से मेनली आपको दो सबकास्ट याद होनी चाहिए भिलाला और तड़वी भिलाला मतलब ऐसे भील्स जो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं उन्हें भिलाला कहा जाता है और ऐसे भीड़ जो कि इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तड़वी कहा जाता है ठीक है अगर अब हम बात करते हैं इनके मैरिजेस की तो सबसे पहली आती भगोरिया अब भगोरिया हार्ट भी होता है आपने सुना होगा ठीक है भगोरिया एक फेस्टिवल भी है भगोरिया एक काइंड kind ऑफ of, क्या है भगोरिया एक काइंड ऑफ मैरिज भी है ठीक है अब इसमें होता क्या है बेसिकली भगोरिया जो है ठीक है ये होली के टाइम पे मनाया जाता है होली से कुछ दिन पहले भगोरिया हाट लगता है जिसमें तीन स्टेजेस होती हैं गुलालिया गोल गधेड़ो और उजाड़िया अब आप फोटोज़ में देख सकते हैं लड़कियां मस्त एकदम स्वैग में जा रही हैं डैशिंग चश्मा उश्मा लगा के तो ऐसे ही लड़के भी और लड़कियाँ दोनों भगोरिया हाट में मस्त अच्छे से तैयार होकर सज धज के जाते हैं और कुछ तर... अब यूजली क्या होता है जब लड़के लड़कियाँ घूमते हैं आमतौर पर तो कुछ देर तक एक दूसरे को निहारते हैं और फिर अगर लगता है कि ठीक है इन यहाँ तक की बात थी इससे आगे कुछ नहीं होगा तो आज हम लोग एक दूसरे को देख के आगे निकल जाते हैं पर भगोरिया हाट में क्या होता है जब लड़का लड़की घर से जाते हैं तो पहले ही उन घर वालों को बता देते हैं कि भाई आज आपकी बहू आने वाली है तैयार रहिएगा ठीक है।, है अब इसमें जो पहली स्टेज होती है वो गुलालिया होती है थोड़ी देर क्या होते हैं जब लड़के लड़कियाँ होते हैं तो ये मोस्टली एक दूसरे के साथ घूमते हैं और अगर इनको लगता है कि नहीं भाई सही है जब जब जम गया बढ़िया है तो ये एक दूसरे को गुलाल लगा देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है इसको गुलालिया कहा जाता है ठीक है उसके बाद सेकेंड स्टेज जो होती है वो गोल गधेड़ो होती है इसमें क्या होता है ठीक है ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्या होता है कि जो लड़का है उसको लड़की के जो मतलब यूजुअली एक पिलर होता है बीच में और इस पिलर में ऊपर जो है वो स्वीट्स होते हैं ठीक है इस पिलर में टोकरी में क्या रखी होती है जो टोकरी होती है उसमें क्या रखी होती है स्वीट्स रखे होते हैं रखी होती है ठीक है तो लड़के को क्या करना पड़ता है जो लड़कियों का सर्कल होता है ठीक है उससे बच के ठीक है 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 अंदर जाना पड़ता है, इस पिलर पे पड़ता इस चढ़ना और ऊपर चढ़ के उस मिठाइयों को नीचे फेंकना पड़ता है तो अभी इतना आसानी से नहीं होता है नीचे जो लड़कियां घेरा बना के खड़ी होती हैं गोला बना के खड़ी होती हैं उनके हाथ में डंडे होते हैं लड़के को उनसे होके गुजरना पड़ता है जब लड़का उनसे होके गुजरता है तो वो बहुत मारती हैं पीट पीट के मारती हैं जो लड़का उनसे पिट के भी ऊपर चढ़ जाता है और मिठाइया नीचे फेंक देता है ठीक है अब वो लड़का अगर मिठाइयाँ फेंक दे रहा है नीचे तो उस लड़के के ऊपर है कि भाई उसको नीचे खड़ी हुई जो लड़कियां हैं गया सर्कल में उसको किसके शादी करनी है तो जो लड़कियाँ नीचे खड़ी होती हैं उसको पता होता है कि भाई अगर ये लड़का ऊपर चढ़ गया तो हम में से किसी एक के साथ शादी करेगा तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहा जाता है गोल गधेड़ो तो जहाँ पे ये जो गोला है गोल का मतलब होता है सर्कल तो ये सर्कल जो है ये गर्ल्स के द्वारा बनाया जाता है गर्ल्स के पास क्या होती है लकड़ियां होती हैं और इस लकड़ी इस गोले को तोड़ के लड़के को ऊपर चढ़ना पड़ता है तो ये बेसिकली एक डांस फॉर्म है और जो क्या शो करता है जो ब्रेवरी शो करता है ध्यान रखिएगा गोल गधेड़ो जो है ये कौन सा क्या शो करता है तो ये ब्रेवरी शो करता है लड़के की ठीक है तो इट्स सिंबल ऑफ ब्रेवरी आपको समझना चाहिए ठीक है अब पिट रहा है बेचारा लड़का पिटने के बाद भी वो ऊपर चढ़ के मिठाई फेंक रहा है मतलब कि ये बहुत ब्रेव है कुटाइया हो रही है पर फिर भी वो नहीं मान रहा कि नहीं मैं तो शादी करके मानूंगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये है गोल गधेड़ो ठीक उसके बाद तीसरा जो स्टेज होती है वो होती है उजाड़िया अब उजाड़िया में बेसिकली क्या होता है उजड़ना उजड़ना मतलब खत्म होना जब भगोरिया फेस्टिवल खत्म हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है उसको उजाड़िया कहा जाता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि भगोरिया ठीक है ध्यान रखिएगा भगोरिया कितने स्टेजेस में होता है तीन गुलालिया गोलगधेड़ और उजाड़िया भगोरिया हाट किस से रिलेटेड है तो भील से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है किस महीने में लगता है होली के पहले लगता है ठीक उसके बाद भगोरिया में जो डांस होता है गोल गधेड़ो ठीक है ये क्या है ए सिम्बल ऑफ ब्रेवरी है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है ध्यान रखिएगा उसके बाद अगला जो मैरिज टाइप है लुगड़ा लाड़ी अब इसमें क्या होता है जो लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले होते हैं ठीक है थीके? तो लड़के की बहन ध्यान रखिएगा लुगड़ा लाड़ी में क्या होता है लड़के की बहन अपने भाई के कपड़े लेके लड़की के घर जाती है ठीक है लड़की के घर से उसके कपड़े लेती है और वो दोनों को बांध देती है अगर लड़के की बहन ऐसा कर देती है

बहुत हैवी ब्राइट प्राइस पे करनी पड़ती है उसको क्या कहा जाता है डापा सिस्टम कहा जाता है ठीक है उसके बाद होती है धरना विवाह अब धरना विवाह में क्या होता है पोलीगमी धरना विवाह का मतलब क्या है पॉली पॉलीगमी धरना मतलब धरना मतलब होता है रखना तो अगर एक आ, मेल दो या दो से ज्यादा वाइफ रख सकता है तो उसको क्या कहा जाता है धरना विवाह कहा जाता है ठीक है यही इसी को पोलीगमी कहा जाता है अब आपको पता होना चाहिए कि भील्स में विडोरी मैरिज को क्या कहा जाता है नाटरा कहा जाता है इवन घर जवाई भी एक प्रकार की मैरिज होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इनके मेन फेस्टिवल्स की बात करते हैं अपन ने भगोरिया फेस्टिवल तो देख ही लिया उसके अलावा इनका एक और फेस्टिवल होता है गाटा गटेला गाटा गटेला में क्या होता है बेसिकली जो इनके एनसिस्टर्स होते हैं मतलब ऐसे एनसिस्टर्स जिन्होंने बहुत ब्रेवरी वाला काम किया हो इनके कबीले के लिए तो गाटा गटेला के टाइम पे उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं उनके स्टोन स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं जैसे कि आप फोटो में देख भी सकते हैं और फिर उनकी पूजा करी जाती है तो गाटा गटेला में क्या होता है जो ऐसे एंसेस्टर्स होते हैं जिन्होंने इनके कबीले के लिए बहुत बहादुरी वाला काम किया और अपने जान निछावर कर दी हो तो उनके स्कल्पचर्स बना के उनकी पूजा करी जाती है ठीक है उसके बाद नवई की बात करूँ तो नवई से याद रखना नई ठीक है तो ऐसे ऐसा फेस्टिवल जो नई फसल के आने के टाइम पर मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है नवई कहा जाता है ठीक है उसके बाद इंडल तो ये जो इंडल फेस्टिवल है

डेडिकेट करने के लिए बनाई जाती है तो बेसिकली ये एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है जो किसको डेडिकेट करने के लिए बनाई जाती है पिथोड़ा बाबा को ठीक है अब इस पेंटिंग में मोस्टली कौन बनाए जाते हैं हॉर्सेस बनाए जाते हैं इस पेंटिंग से रिलेटेड दो फेमस पर्सनैलिटी हैं एक है पेमा फालिया जिन्हें टू में तुलसी अवार्ड से नवाजा गया है जो कहाँ से बिलोंग करते हैं झाबुआ से और तो वहीं दूसरे हैं भूरी बाई जो कि कहाँ से बिलोंग करती है पितुल विलेज जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है ठीक है तो ध्यान रखिएगा पेमा पाल् और भूरी भाई ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं झाबुआ से बिलोंग करते हैं भूरी भाई स्पेसिफिक अगर मैं पूछूँ तो पितोली पित्तुल विलेज से बिलोंग करती हैं ठीक है इन्हें पद्मश्री मिला गया है पिथौरा पेंटिंग के लिए और पेमा पाल्या को तुलसी सम्मान मिला गया है या तुलसी अवार्ड मिला गया है टू में और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं झाबुआ से बिलोंग करते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम इनके डांस फॉर्म्स की बात करें तो भगोरिया के टाइम पे एक बहुत फेमस डांस होता है जिसको हम लोग गोल गधेड़ो कहते हैं बट अपार्ट फ्रॉम गोल गधेड़ो होली के टाइम पे एक और डांस होता है जिसको हम लोग गहर कहते हैं तो ध्यान रखिएगा गहर एक डांस फॉर्म है जो कौन करता है भील्स करते हैं और ये किसके टाइम पे करते हैं ये होली के टाइम पे करते हैं ठीक है इवन आपको ये भी बता दूं कि जो सेटलमेंट एरिया होते हैं मतलब भील्स का जो कबीले होते हैं ठीक है उन्हें क्या कहा जाता है फाल्या कहा जाता है ठीक है तो भील्स के जो सेटलमेंट होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है पाल् कहा जाता है और भील्स के जो हाउसेज होते हैं इन्हें कु कहा जाता है तो सेटलमेंट को कहा जाएगा पालिया और एक पर्टिकुलर हाउस को कहा जाएगा कु ये आपको पता होना चाहिए ठीक उसके बाद अगर हम इनके फूड हैबिट्स की बात करें तो भील्स जो है ये यूजुअली कड़कनाथ खाना बहुत पसंद करते हैं जो ट्राइब्स हैं ये नॉन नौ, वेजिटेरियन ही होती हैं आपको पता है तो भील्स कड़कनाथ खाना बहुत पसंद करते हैं कड़कनाथ जो है इन्हें इसे काली मासी भी कहा जाता है और ये मोस्टली आपको कहाँ देखने मिलता है अलीराजपुर और झाबुआ में देखने मिलता है अपार्ट फ्रॉम कड़कनाथ ये रबड़ी खाना भी पसंद करते हैं ठीक है उसके बाद घुंगरी ताड़ी अब ताड़ी एक प्रकार की अल्कोहलिक ड्रिंक है जो ये कंज्यूम करते हैं ठीक है और ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन बिलीव करते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन ये क्या कहते हैं चिमाटा कहते हैं तो ये पता होना चिमाटा क्या है शिफ्टिंग कल्टिवेशन का टाइप है ठीक है उसके बाद अगर हम इनके गॉड्स एंड गॉडेसेस की बात करें तो ये महादेव की पूजा करते हैं महादेव के अलावा ये बिलात देव और पिथोरा बाबा की पेंट पूजा करते हैं अपने देखी देखिए पिथौरा पेंटिंग बनाई जाती है पिथौरा बाबा को प्रीच करने के लिए ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये महादेव पिथौरा बाबा और बिलात देव की पूजा करते हैं और ये कैसे कैसे टैटूज बनाने में बिलीव करते हैं तो ये जो तो टैटूज बनाते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है अम्बा अम्बा मोर और कटावाड़ी ये जो है ये अंबा अंबा मोर और कटावरी ये टैटूज़ के टाइप है जो बील्स अपने बॉडी पे बनाते हैं ठीक तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में इसमें हम बात करेंगे गोंड्स की टिल देन थैंक यू जय हिंद जय भारत